हेलो चिल्ड्रन, कंटिन्यू करते हैं अभ्यास के प्रश्न विद क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बच्चों, नीचे आपको कैसे लेकर ड़ तक 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सत्य है यानी कि ट्रू है और कौन सी असत्य है यानी कि फॉल्स है। कै भाग वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहती है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि हमारी वायु में जो वाटर वेपर्स हैं, जल वाष्प हैं, वो केवल मानसून सीजन में ही होते हैं। क्या ये सही है? सोचिए। नहीं ना, क्योंकि वायु में तो जल वाष्प हमेशा ही होते हैं। मानसून में उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाता है, लेकिन जो जल वाष्प है वो पूरा साल हमेशा ही वायु में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी कि असत्य है। खैर, जल महासागरों, नदियों एवं झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि जो वाष्पन प्रक्रिया है, वायु में जो जल वाष्प ऐड होते हैं, वो सिर्फ महासागर, नदियों और झीलों से होते हैं। जो भूमि है, भूमि के ऊपर का जल है, वो वाष्पित नहीं होता। क्या ऐसा है? नहीं ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहां भी पड़ता है और वहां पर जितना भी जल जहां जहां होता है, वहां से वाष्पन प्रक्रिया जरूर होती है। और तो और, पौधे भी वाष्प उत्सर्जन के दौरान जल वाष्प वायु में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है यानी कि असत्य है। स्टेटमेंट नंबर 3, गैर भाग जल के जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब जल गर्म होकर वाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। इसीलिए हम यहां लिखेंगे सत्य। घ भाग जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही जल वाष्प में बदलेगा। जहां पर छाया भी होती है वहां पर भी, क्योंकि वायु में थोड़ी सी गर्मी रहती ही है, इस कारण वहां भी वाष्पन होता है। क्या आपके कपड़े केवल धूप में सूखते हैं? कभी कभी जब आप कपड़ों को अपने घर के अंदर भी फैला देते हैं तो भी कपड़े सूख जाते हैं ना। इसका मतलब वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में नहीं होता, हर जगह होता है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है यानी कि असत्य है। रह भाग वायु की ऊपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती हैं। जब जल वाष्प ऊपर की तरफ उठते हैं तो पृथ्वी का तापमान कम होता चला जाता है, वायुमंडल का जो तापमान है वो गिरता चला जाता है ऊपर जाने पर, जिसके कारण जो जल वाष्प है वो ठंडे होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, जो प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और ये संघनित होकर जल वाष्प का बूंदों में बदलना जल कणिकाएं कहलाता है। इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हम यहाँ सत्य लिखेंगे। प्रश्न 4। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? मान लीजिए बारिश का दिन है, आपको यूनिफॉर्म सुखानी है, तो बाहर तो वो सूख नहीं पाएगी क्योंकि सूर्य नहीं है, तो कैसे सुखाएंगे? क्या आप अंगीठी या हीटर से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है? बताइए, सोचिए। हाँ, क्योंकि अंगीठी या हीटर में से जो ऊष्मा निकलेगी उसके कारण हमारी यूनिफॉर्म में उपस्थित जल जो है वो वाष्प में बदल जाएगा, जिसके कारण यूनिफॉर्म जल्दी से सूख जाएगी। यही हम अपना आंसर लिखेंगे।
हाँ, क्योंकि अंगीठी या हीटर की ऊष्मा से यूनिफॉर्म में उपस्थित जल वाष्प में बदल जाएगा, जिसके कारण यूनिफॉर्म आसानी से सूख जाएगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।